तो आज की वीडियो में मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बनाना चाहिए, देन उसके बाद एक पीनट बटर, एक ओट्स चाहिए आपको, और कोई भी ब्रांड का आप अपना वे प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आपको आइसोलेट यूज़ करना है तो आइसोलेट भी यूज़ कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना रहेगा कि आपको उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। इस पूरी रेसिपी के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है अगर आप कॉन्सेंट्रेट पाउडर यूज़ करते हैं। अगर आप वहीं पर वे आइसोलेट यूज़ करेंगे तो लगभग आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जो प्रोटीन पाउडर होता है वो सेफ होता है कि नहीं, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, और मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर भी कि वे प्रोटीन पाउडर कंप्लीटली सेफ होता है। अब हम इसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से आइटम चाहिए रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कैलोरीज काउंटिंग की, तो आज मैं तुम सभी को वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जैक्टली मेजर करना है ताकि आपकी जो कैलोरीज है वो एक्यूरेट हो पाए। हालांकि 100% एक्यूरेट तो नहीं होती, लेकिन जितना हो सके उतना पॉसिबल आप सभी उसको मेजर कर सकते हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ओट्स की क्वांटिटी को देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कितना चाहिए, तो इसको मेजर करते हैं हम। इसको टेयर कर दिया मैंने। अब अपने को ओट्स जो है वो 40 ग्राम लेने हैं, तो इसके अंदर हम 40 ग्राम ओट्स डाल देते हैं। तो अपने 40 ग्राम ओट्स हो चुके हैं, एक ग्राम एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत फर्क चलता है। तो अपने 40 ग्राम ओट्स आपको लेने हैं। अब इसको पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है। जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालेंगे बहुत इजीली ये बॉईल हो जाता है, हार्डली 30 सेकंड लगते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेते हैं। अभी देखो जो अपना बनाना है उसका जो वजन आ रहा है वो 116 117 के करीब है, तो हमें स्मार्टली प्ले करना है। ऑब्वियसली बात है हम लोग इसका छिलका नहीं खाएंगे, तो कैलोरीज को काउंट करने में लोग यही गलती करते हैं कि पूरा होल बनाना को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से मैं तुम सभी को बताऊंगा कि पीनट बटर को भी कैसे आप सभी को मेजर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाना को पील कर लेते हैं और इसके अंदर की एग्जैक्ट क्वांटिटी देखते हैं कि वो कितनी है, देन उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसको ट्रैक करेंगे। अब देखो पूरा बनाना पील करने के बाद जो इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आ रही है वो है 80 ग्राम, तो ऑब्वियसली हमें ये 80 ग्राम जो है उसको ट्रैक करना है। अपना ओट्स बन के तैयार हो चुका है, इसको मैंने पानी में बॉईल किया था, हार्डली 30 सेकंड लगे पानी में बॉईल करने के लिए। मैं थोड़ा सा इसको थिक रखता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा इसको लिक्विड फॉर्म में रखना है तो आप वैसे भी रख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के। तो इसके अंदर अब हम 1.5 स्कूप प्रोटीन डालेंगे। अब हमें इसके अंदर 1 टेबलस्पून पीनट बटर डालना है। अब देखो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो 1 टेबलस्पून को समझते हैं कि ये पूरा चम्मच भर के ये ऊपर तक भर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो 1 टेबलस्पून है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी होती है 1 टेबलस्पून की और किस तरीके से आप सभी को उसको मेजर करना चाहिए। पहले इसको आपको टेयर करना है, ठीक है, देन उसके बाद आपको इसके अंदर से चम्मच डालना है, और देन अभी ये 10 ग्राम है, 1 टेबलस्पून जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 ग्राम के करीब होता है। ठीक है, अभी 14 ग्राम आया है, 17 ग्राम, इसको हमें कम करना है 16। ये 1 टेबलस्पून पीनट बटर होता है, ये नहीं कि पूरा इसको भर लिया। तो अब हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं, हमें सब कुछ मिला लेना है, तो मैं इसको अच्छे से मिला लेता हूँ। सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसके अंदर हमें अपना बनाना डालना है। अपना हाई प्रोटीन ओटमील रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि इसके अंदर आप सभी को कितने कैलोरीज मिल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो इसके अंदर देखिए आप सभी को 503 कैलोरीज मिल रही हैं, जिसमें से कि आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, फैट्स आपको मिल रहे हैं 13.2 ग्राम्स, कार्ब्स मिल रहे हैं आपको 57.1 ग्राम, और जो फाइबर है वो आपको 5 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। वैसे भी अगर आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक को हाई करना चाहते हैं तब भी आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अगर टेस्ट की इसकी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करना, और नीचे कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट करना, बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।